नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है वायरम न्यूज़ पर। जैसे कि हम सबको पता है, इंडियन टीम का सिलेक्शन हो गया है टेस्ट मैचेस और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप्स के लिए। बट आपने क्या ध्यान दिया, उसमें अर्जन नगासवाला नाम के एक नए चेहरे को लिया गया है जो एक स्टैंड बाई प्लेयर है। उनके नाम का चयन होने के बाद क्रिकेट फैंस काफ़ी उत्सुक हैं उनके बारे में जानने के लिए। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें कि अर्जन को टी नटराजन के जगह पर टीम में लिया गया है जो कि इंजरी से जूझ रहे हैं। आज फ्रेंड्स, हम आपको अर्जन के बारे में कुछ खास बात बताने वाले हैं। अर्जन का जन्म 17 अक्टूबर 1997 को सूरत में हुआ था। वो एक पारसी परिवार से हैं। उन्होंने छोटी सी उम्र में ही क्रिकेट सीखना चालू कर दिया था। उन्होंने बचपन में अपने भाई से क्रिकेट सीखना चालू किया था, उसके बाद उन्होंने अपनी बॉलिंग पर ज़्यादा ध्यान दिया। अर्जन ने अपना डेब्यूट राजस्थान के खिलाफ किया था गुजरात की टीम से, जिसमें उन्होंने 34 रन देके 2 विकेट लिए थे 8 ओवर में। अर्जन ने 2018-2019 के सीजन में 5 विकेट लेकर मुंबई के खिलाफ मैच में काफ़ी नाम कमा लिया था। उन्होंने T20 मैच में अपना पहला डेब्यूट 2019 में किया था रणजी ट्रॉफी में, जिसमें उन्होंने 11 रन देके 3 विकेट लिए थे 4 ओवर में। रणजी ट्रॉफी 2019-2020 में उन्होंने 41 विकेट लिए थे 8 मैचेस में। अब 17 मई 2021 को उनको इंडिया की टेस्ट स्क्वाड में चुना गया है एज ए स्टैंड बाई प्लेयर। फ्रेंड्स, ऐसे ही धमाकेदार न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।